ये कहानी है शौरी परिवार की। मिस्टर राजेंद्र शौरी के दो लड़के थे, रघु और राहुल। रघु बड़ा था और राहुल छोटा। रघु बचपन से ही पढ़ाई में तेज था और खेलकूद में भी अव्वल। उसकी अलमारी भरी पड़ी थी ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट से। दिल्ली के सबसे अच्छे स्कूल से पढ़ा, स्कूल खत्म हुआ तो सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया। कॉलेज खत्म होते ही नौकरी मिल गई और रघु USA चला गया। उसके माँ बाप और छोटा भाई तीनों बहुत खुश थे और उससे मिलने US आते जाते रहते थे। फिर एक दिन ये तुम्हारे पापा की ईमेल है, पर इस बार लिखी मैंने है। मैंने और तुम्हारे पापा ने फैसला किया है कि इस साल तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए ताकि हम दोनों आराम से वर्ल्ड टूर पे जा सके और हमें तुम्हारी चिंता भी कम हो। मजे की बात यह है कि हमने एक लड़की भी पसंद कर ली है। लड़की डॉक्टर है और शादी के बाद विदेश जाना भी चाहती है। इनके दोस्त की बेटी है, एक फोटो भेज रही हूँ साथ में, देख के बताना कैसी है। अरे यार, ये लोग ना इतना सब कुछ कर लेते और बता देता क्यों नहीं। हेलो, मुझे पता था तेरा फोन आने वाला है। माँ, दिस इज नॉट फेयर। अगर आप लोगों को वर्ल्ड टूर पे जाना तो जाओ, मुझे क्यों फंसा रहे हो? अरे वो सब बाद में, पहले ये बता लड़की कैसी लगी। माँ, मैंने उसकी फोटो खोली भी नहीं। बट क्यों? क्यों? क्यों का क्या मतलब? अरे फोटो तो देख, डॉक्टर है डॉक्टर। एक बात बताओ, असली में डॉक्टर है सिर्फ फोटो में लगती है? तू जल्दी से वापस आ जा, अगली फ्लाइट पकड़ कर। अरे खुद ही देख लेना कैसी लगती है। हमारी तरफ से तो फाइनल है बस। माँ प्लीज प्लीज। Thank you.
भाई साहब। नहीं नहीं यार, भगवान की दुआ से सब बढ़िया संपन्न हो गया। हाँ कुछ दिन यहीं रुकेंगे, उसके बाद तो दोनों ने चले जाना अमेरिका। लड़के के पास तो ग्रीन कार्ड है। ओ यार पीछे पीछे हम भी चल देंगे, बुढ़े बुढ़िया ढूंढ लेंगे अमेरिका में को अपने लिए जगह डिपेंडेंट वीजा पे। हाँ 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 अरे माँ, अब तो मैंने शादी भी कर ली है, अब क्यों रो रही हो? शैतान कहीं का। बताओ पापा, क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ? आप दोनों का पासपोर्ट तो बन ही चुका है, सिर्फ एक दिन वीजा इंटरव्यू के लिए जाना, उसके बाद सीधा यूएस। अरे इसको छोड़ बेटा, ये तो आज भी मायके जाने के लिए रोने लगती है, इसकी फिक्र मत कर। चलो भैया, सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया, गाड़ी आपका वेट कर। स्वीट होम। अच्छा है। टायर्ड? चलो तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी कॉफी बना के लेके आऊं। ऑल राइट? रिश्ते की बातें चल रही थी तब तुमने ये सब बात क्यों नहीं बताई पहले? हम जाना चाहते हैं। कहाँ जाओगी? जर्सी सिटी में हमारे रिलेटिव रहते हैं, हम उनके पास जा रहे हैं। और प्लीज मुझे कोई इमोशनल ड्रामा नहीं चाहिए, जो गलत हुआ वो हुआ, पर हम आपके साथ नहीं रह सकते। साजना
साथ नहीं। थम सी गई है क्यों ये जिंदगी, क्यों साथ तू नहीं, क्यों साथ तू नहीं, जाने तू कहाँ है हम नशीं, कर सकती है वो। खैर आप परेशान ना हो, मैं बात करता हूं। जी हाँ। क्या करें आप, कर ही क्या सकते हैं, खेल बना के रखा है। अरे ये सब करना ही था तो पहले नहीं बता सकते थे क्या? और जब आप कर ही दिया तो बताने का क्या सेंस है? सुनो जी, उसके मम्मी पापा से बात करके तो देखो। हाँ हाँ करो आप उनसे बात, मैं बता रहा हूं ये सब ग्रीन कार्ड का ही चक्कर है। करो आप उनसे बात। हमें ऐसी किसी बात का पता ही नहीं चला भाई साहब, और उसने कभी जिक्र भी नहीं किया हमसे। देखिए आप अपनी लड़की से बात कीजिए, उसके मन में चल क्या रहा है। ऐसा नहीं चलेगा, आखिर उसने ऐसा किया क्यों? आप बात करिए, हम भी बच्चों से बात करते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे बीच में। ठीक है भाई साहब, हम बात करते हैं अपनी गुड़िया से और उसके बाद फोन पे बताता हूँ मैं आपको। ठीक है। अच्छा भाई जी, देखो जी लड़की को तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन तो लग गई है ना, एक बार फीस जमा हो जाए बस, उसके बाद बात करूंगा मैं इनसे। अभी चलो। भाई मैं उसके कॉलेज गया था, मैंने सब पता कर लिया है। अरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर से उसका किसी डॉक्टर के साथ चक्कर चल रहा है। अरे बिना रजिस्टर्ड डॉक्टर बने यूएस में प्रैक्टिस कर नहीं सकती, उसके लिए ग्रीन कार्ड चाहिए। और मिल गया ना तू ग्रीन कार्ड। अरे यूज क्या है भाई तेरा यूज, अब उस लड़के के भी यूएस आने के रास्ते खुल गए हैं। ये सब इन सालों की मिलीजुली साजिश थी, एक बार मेरे हाथ लग जाए ना ये लोग तो मैं इन सब की। खैर तूने बात की क्या उससे? हेलो हेलो भाई, हेलो हेलो, so this is the exact story, Diana. You have every reason to file for a divorce. I will prepare the papers. Do you have the address where she's staying right now? No, not exactly, but then I'll manage to find it out. Okay, so give me a day's time and I will prepare the papers. We will send them to her current address as well as her home in India. Okay. और देखना जरा कौन है। अरे सुनते हो है? देखो ये अमेरिका से क्या है। क्या? उसने तलाक के लिए एप्लीकेशन फाइल की है। अगर तलाक हो गया तो ग्रीन कार्ड कैंसिल हो जाएगा और तुम यहाँ बैठे रहना। अरे ऐसे ही हो जाएगा ग्रीन कार्ड कैंसिल, दिखा जरा। ये लो। हिंदुस्तान में की गई शादी का तलाक अमेरिका में नहीं हो सकता। इनको तो सालों को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा, पैरों में आके गिरेंगे पर पैसे देंगे अल्लाह। हेलो पुलिस, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? क्या आप ही मिस्टर और मिसेस राजेंद्र शौरी हैं? हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, पर बात क्या है? आप? मैं राहुल, राहुल का छोटा भाई।
देखिए आप तीनों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है कि आप तीनों और आपका बेटा रघु अपनी बहू नेहा को दहेज के लिए प्रताड़ित करते आ रहे हैं। ये क्या बकवास कर रहे हैं, कुछ भी कहते जाओ। देखिए वो सब हमें नहीं पता, लेकिन आपकी बहू नेहा के घर वालों ने ये कंप्लेंट दर्ज की है, इसलिए हमें आपको हिरासत में लेना ही पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे हिरासत में लेना पड़ेगा, अरे कोई कुछ भी कह देगा इंस्पेक्टर साहब और आप हमें हिरासत में ले लेंगे, ये कोई तरीका नहीं है। यार सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, इन लोगों ने तेरे पूरी फैमिली पर दहेज का केस छोड़ दिया है और पुलिस ने भी बिना सुनवाई के सेक्शन 498A के अंदर सबको लॉकअप में डाल दिया, तेरे नाम का भी वारंट निकला हुआ है। तू कुछ कर यार, तू लॉयर है, मैं नेक्स्ट फ्लाइट से इंडिया आ जाता हूं। तू कह तो देख, तू चिंता मत कर, मैं हूं यहां पे। और सुन, इंडिया तो बिल्कुल मत आना, आते ही तेरे को अरेस्ट कर लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने मेरी बेटी का जीना दुश्वार कर दिया है। अभी यूएस से आई है और वहां न जाने क्या क्या हुआ इसके साथ, इसको मारा पीटा, धमकियां दी, अपने घर वालों से पैसे मंगाओ वरना कभी जिंदगी में उनकी शक्ल नहीं देख पाओगी। और हम सोचते रहे कि हमारी बेटी बड़ी खुश है यूएस के अंदर, बड़ी मुश्किल से बेचारी भाग गई वहां से, कुछ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, हम तो जिंदगी में उसकी शक्ल नहीं देख पाते। तो आप क्या चाहते हैं, ये लोग तो पहले ही बोलते दहेज कानून को लेकर। अरे इंस्पेक्टर साहब, इसके साथ फिजिकल अब्यूज हुआ है, उसके ऊपर मारपीट का केस दर्ज कीजिए, इनको इनके किए की सजा मिलनी चाहिए। रामपाल, रिपोर्ट लिख लो इनकी। जी सर, ओके सर। इंस्पेक्टर रहमान, ये शौरी फैमिली के बेल के पेपर्स। कॉन्स्टेबल, ये शौरी फैमिली को छोड़ दो। मिस्टर शौरी, आपके बेल के ऑर्डर्स आ गए, आप शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, और जब तक केस शुरू नहीं हो जाता तब तक आपको हर हफ्ते थाने में हाजिरी देने आना होगा। चार्जशीट दाखिल हो गई है, बस कोर्ट के ऑर्डर्स का इंतजार है, आप लोग अभी के लिए जा सकते हैं। अरे मारना 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 जी भाई साहब, ये सब करके आप साबित क्या करना चाहते हैं? देखिए, शुरुआत हमने नहीं की थी, आपके बेटे ने डाइवोर्स फाइल करके शुरुआत की थी रिश्ता तोड़ने की। हाँ, अब आप चाहते कि हम केस वापस ले ले तो कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी ना। कीमत? क्या कीमत? 1 करोड़ रुपए। आप हमें पैसे दे दीजिए, आपका बेटा भी आजाद और आप भी झंझट मुक्त। 1 करोड़? 1 करोड़? साले आ गए ना अपनी औकात पे, मैं जानता था पापा ये सारा ड्रामा सिर्फ पैसे के लिए है। साले 2 टके के लोग, जिस इंसान का कल तक मुंह नहीं खुलता था आज उसकी जवान इतनी ऊपर हो गई। इसे कह दो कि हम केस लड़ेंगे और मैं भी देखता हूं कि ये पैसे कैसे निकलवाता है। आपने न्यूज देखी? ये लोग अब हद से आगे बढ़ चुके हैं। ये देखिए, हमारी बेटी के साथ मारपीट हुई है,
हमारे साथ धोखा हुआ है। ऐसे लोग इंसानियत के नाम पर धब्बा है। लड़कियों को शादी करके विदेश ले जाते हैं, फिर उनके परिवार वालों से पैसे की डिमांड करते हैं। आलोक जी, हम समझते हैं कि ये इस एजुकेटेड वर्ल्ड में एक निहायत ही शर्मनाक घटना है। जो आपकी बेटी के साथ ये दुर्घटना पेश आई है, उससे आप प्रशासन को कुछ कहना चाहेंगे? हमारी बेटी को दहेज के लिए मारा पीटा गया है, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। मैं देश की कानून व्यवस्था से अपील करता हूँ कि ऐसा कानून बनाए कि इन लोगों को कतई माफ कर दिया जाए। आपने देखा कि दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी कहे जाने वाले शहर में भी दहेज उत्पीड़न की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। थोड़ी देर में आपको ले चलेंगे अपने स्टूडियो में, जहां इसी पे चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। साथ ही आपको मिलवाएंगे लाइव कुछ ऐसे लोगों से जिनके साथ ये घटनाएं हुई हैं। सवाल वही उठता है कि क्या हम वाकई सभ्य हैं या फिर पैसा इंसानियत को खाता जा रहा है। बेटा, सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। ये सब कैसे? आज शाम को हार्ट अटैक से। मार्केट में रिसेशन आ गया था और बड़ी बड़ी कंपनीज भी कॉस्ट कटिंग के नाम पर अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही थी। रघु भी इस सब से बच नहीं पाया, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। इंडिया में अरेस्ट वारंट मुंह फाड़े खड़ा था और यूएस में कंपनीज चाहकर भी उसे नौकरी नहीं दे सकती थी। केस आज भी चल रहा है। माँ के मरने के बाद उसके पिताजी और भाई अब भी केस लड़ रहे हैं। धीरे धीरे पैसे भी खत्म हो रहे हैं और हिम्मत भी जवाब दे रही है।